कल होने वाली मतगणना अंतर्गत जिला प्रशासन और पुलिस विभाग सज्ज बना है, जहां शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित बनाए गए स्ट्रांग रूम ईवीएम रूम में पुख्ता पुलिस बंदोबस्त तैनात करने के साथ कल थ्री लेयर यानी कि पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स तथा सीसीटीवी कैमरा की बाज नजर के तहत मतगणना का प्रारंभ किया जाएगा, जिसके भागरूप आज जिला कलेक्टर एवं जिला चुनाव अधिकारी शालिनी अग्रवाल ने कामगिरी की समीक्षा करते हुए विशेष जानकारी दी थी। कल 21 फरवरी को वडोदरा महानगर पालिका स्थानीय स्वराज के चुनाव संपन्न होने के बाद 23 फरवरी को अब ये चुनावी मतगणना का आयोजन किया गया है। कल यानी कि 23 फरवरी को होने वाली मतगणना कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग सज्ज बना है। पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स तथा सीसीटीवी कैमरा की बाज नजर के तहत थ्री लेयर सुरक्षा कवच बनाते हुए 76 बैठक के लिए तीन चरण में मतगणना की जाएगी, जिसके भागरूप आज जिला चुनाव अधिकारी एवं कलेक्टर वैसे शालिनी अग्रवाल ने पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर आज कामगिरी की समीक्षा करते हुए विशेष जानकारी दी थी। 21 फरवरी को आयोजित किए गए वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव की मतगणना 23 फरवरी को आयोजन किया गया है। वडोदरा जिला चुनाव आयोग द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखे गए हैं। तंत्र द्वारा मतगणना स्थल के आसपास अवैध पुलिस बंदोबस्त लादा गया है। जल्द सुबह जिला चुनाव अधिकारी मतगणना के स्थल की मुलाकात लेने के साथ इसका प्रारंभ किया जाएगा। प्रथम राउंड में सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर और बाद वार्ड नंबर 1, 4, 7, 10, 13 और 16 के परिणाम घोषित किए जाएंगे। कॉलेज के बाहर से गुजरते वैसे नगरजन परिणाम को देख सके उसकी सुविधा के लिए बड़ी स्क्रीन भी रखने का आयोजन किया गया है। 21 फरवरी को वडोदरा महानगर पालिका के 19 वार्ड इलेक्शन के 76 बैठक के लिए चुनाव का आयोजन किया गया, जिसके बाद तमाम ईवीएम पुख्ता पुलिस बंदोबस्त के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज में रखे गए हैं। 23 फरवरी को कल यानी कि सुबह 9 बजे से मतगणना का प्रारंभ किया जाएगा, जहां ईवीएम को रखने के साथ ही कॉलेज के आसपास त्रिस्तरीय पौलादी पुलिस बंदोबस्त लादा गया है, जिसमें बंदूकधारी पुलिस जवानों को मुख्य गेट पर स्ट्रांग रूम के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स और स्ट्रांग रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा सज्ज करने के साथ थ्री लेयर सुरक्षा कवच बढ़ाया गया है। तो वहीं जिला चुनाव अधिकारी और कलेक्टर शालिनी अग्रवाल ने इस बारे में आज स्ट्रांग रूम की मुलाकात लेते हुए विशेष जानकारी दी थी, जहां उनके साथ डीसीपी दीपक मेघाणी भी साथ जुड़े थे। बंदोबस्त के बारे में समीक्षा करते हुए स्ट्रांग रूम के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है, साथ ही स्ट्रांग रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्ट्रांग रूम तक अवैध पुलिस बंदोबस्त लादा गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए कहा गया था कि सबसे प्रथम राउंड में वार्ड नंबर 1, 4, 7, 10, 13 और 16 के परिणाम घोषित किए जाएंगे, जिसके बाद दूसरे राउंड में वार्ड नंबर 2, 5, 8, 11, 14, 17 का मतगणना करते हुए परिणाम घोषित किए जाएंगे, जबकि तीसरे राउंड में वार्ड नंबर 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 19 के परिणाम जाहिर किए जाएंगे। उम्मीदवार के समर्थक कार्यकर्ता तथा नगरजन चुनावी परिणाम देख सके वैसे आशय से गेट पर एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। तो वहीं समय अंतर परिणाम की घोषणा लाउडस्पीकर पर भी की जाएगी। उसमें अधिक बताया गया था कि मतगणना रूम के अंदर तबक्कावार मतगणना की जाएगी। पहली बार परिणाम अंतर्गत तबक्कावार राजकीय पक्ष के एजेंट को प्रवेश दिया जाएगा। एक एक वार्ड के साथ एजेंट को प्रवेश दिया जाएगा, तो वहीं एक साथ किसी भी वार्ड के एजेंट को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, वो भी विशेष रूप से बताया गया था। यानी कि कुल मिलाकर कल होने वाली मतगणना अंतर्गत सुबह से ही पुख्ता पुलिस बंदोबस्त के बीच ये मतगणना कामगिरी का प्रारंभ किया जाने वाला है। 21 तारीखे वडोदरा कॉर्पोरेशन चूंटनी संपन्न थई छे, एमनी वोटिंग प्रक्रिया संपन्न थई छे, अने 23 तारीखे यानी कि आवती काले वडोदरा कॉर्पोरेशन नी चूंटनी नी मतगणतरी थवानी छे। आ जो मतगणतरी छे पॉलिटेक्निक कॉलेज वडोदरा शहर में अहींथी थवानी छे। जो पोल्ड ईवीएम्स छे एमना तमामना स्ट्रॉन्ग रूम्स में सील करवामां आव्या छे, अने आज सेंटर उपरथी काले मतगणतरी शुरू थशे। जो काउंटिंग सेंटर छे अने एमां स्ट्रॉन्ग रूम्स छे एटले त्रिस्तरीय सुरक्षा एमनी व्यवस्था करवामां आवी छे। सीपीएमएफ डिप्लॉय करवामां आव्युं छे, एसआरपी डिप्लॉय करवामां आवी छे, अने जो लोकल पुलिस छे ए डिप्लॉय करवामां आवी छे, अने इलेक्शन कमीशन नी गाइडलाइन प्रमाणे त्रिस्तरीय सुरक्षानी व्यवस्था आ मतगणतरी केन्द्र उपर करवामां आवी छे। काले जो लोग प्रवेशी शकशे एमां फरज परना अधिकारीश्रीओ कर्मचारीश्रीओ जो उम्मीदवार छे ए लोको एमना चूंटनी एजेंट अथवा उम्मीदवारों तरफ थी मतगणतरी माटे एमना तरफ थी जो
एजेंट्स की निमणूक करवामां आवी छे, पण आ तमाम पासे फरजियात पास इश्यू थवा जोईए अने जो अधिकृत रीते पास इश्यू थया छे एवा ज लोको मतगणतरी केन्द्र में प्रवेशी शकशे। बीजू मोबाइल फोन्स मतगणतरी केन्द्र में लावानू अलाउड नथी। अने त्रीजू कोविड 19 नी गाइडलाइन्स ने ध्याने राखीने हेल्थ टीम्स डिप्लॉय करवामां आवशे अने ए लोको टेम्परेचर थी मांडीने कोविड नी जेटली गाइडलाइन्स छे ए फॉलो करावशे। कुल 8 जेटला स्ट्रॉंग रूम अहीं काउंटिंग सेंटर उपर बनावामां आव्या छे। 6 रिटर्निंग ऑफिसर्स छे, पण दरेक रिटर्निंग ऑफिसर वाइज एक वधारानू मतगणतरी रूमनी व्यवस्था करवामां आवी छे, एटले 12 जेटला मतगणतरी रूम्स बनावामां आव्या छे। दरेक एडिशनल मतगणतरी रूम माटे असिस्टंट रिटर्निंग ऑफिसरनी निमणूक करवामां आवी छे अने राज्य चूंटणी पंच तरफथी मंजूरी मेळवी દેવામાં આવી છે। સવારે 9 વાગ્યા આ મતગણતરી શરૂ થશે અને સૌથી પહેલા પોસ્ટલ બેલેટની મતગણતરી કરવામાં આવશે અને ત્યાર પછી કોલ્ડ ઈવીએમ્સની મતગણતરી કરવામાં આવશે। દરેક રિટર્નિંગ ઓફિસર વાઇઝ જેટલા વોર્ડ્સ છે આમાં ક્રમાંક પ્રમાણે સૌથી પહેલું જો ક્રમાંકનું વોર્ડ આવે છે એમની મતગણતરી કરવામાં આવશે અને ત્યાર પછી बीजा क्रमांकना एक वोर्डनी मतगणतरी करवामां आवशे अने ए पूरू थया पछी सबसिक्वेंट वोर्ड्सनी मतगणतरी करवामां आवशे। दरेक मतगणतरी टेबल उपर मतगणतरी निरीक्षक सुपरवाइजर्स अने जो स्टाफ छे एमनी निमणूक करवामां आवी छे, एमनी बधानी ट्रेनिंग करवामां आवी छे अने बधा ज लोको कोविड 19 नी गाइडलाइन्स प्रमाणे काम करे એમના માટે હેલ્થ કિટ્સ બધાને આપવામાં આવશે। પ્રથમ વોર્ડ્સ જોની મતગણતરી થશે રિટર્નિંગ ઓફિસર્સ વાઇઝ એ વોર્ડ નંબર્સ છે 1, 4, 7, 10, 13, 16। આ વોર્ડ્સની મતગણતરી થયા પછી જો મતગણતરી વોર્ડ્સની થશે 2, 5, 8, 11, 14 અને 17 અને ત્યાર પછી આ વોર્ડ્સની પૂરું થયા પછી રિટર્નિંગ ઓફિસર વાઇઝ જો વોર્ડની મતગણતરી થશે આ છે 3, 6, 9, 12, 15 અને 18। 16, 17, 18, 19 એવા 4 વોર્ડ્સ છે એટલે આ રિટર્નિંગ ઓફિસરમાં 19 વોર્ડની જો મતગણતરી છે એ 18 વોર્ડની મતગણતરી પૂર્ણ થયા પછી કરવામાં આવશે। આ જો મતગણતરી છે એમના તમામના રિઝલ્ટ ઓનલાઈન એન્ટ્રી કરવામાં આવશે અને એ જો વેબસાઇટ છે sec.sec-pool.gujarat.gov.in એના ઉપરથી આ રિઝલ્ટ જોઈ શકાશે। એમના સિવાય પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમ પણ મૂકવામાં આવશે જેના થકી પણ આ રિઝલ્ટની અનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં આવશે। આ જો તમામ પ્રક્રિયા છે એમના માટે અહીંયા જુદા જુદા વિભાગોમાંથી નોડલ ઓફિસર્સ જેમ કે જીઈબી, પાણી પુરવઠા, ઇલેક્ટ્રિકલ, બીએસએનએલ, પોલીસ, આરએમબી અને અન્ય રિટર્નિંગ ઓફિસર્સ વાઇઝ નોડલ ઓફિસર્સની નિમણૂક કરવામાં આવી છે જો સમગ્ર મતગણતરી કેન્દ્ર ઉપર સુપરવિઝન કરશે। પ્રથમ જો મતગણતરી છે એ 9 વાગ્યા શરૂ થશે અને 9 વાગ્યા જ્યારે મતગણતરી શરૂ થશે ત્યારે સૌથી પહેલા પોસ્ટલ બેલેટની મતગણતરી શરૂ થશે અને ત્યાર પછી વોર્ડ વાઇઝ મતગણતરી શરૂ થશે। રિટર્નિંગ ઓફિસર્સ વાઇઝ જો જો વોર્ડની મતગણતરી પૂર્ણ થતી જશે એ લોકો આ વોર્ડને રિઝલ્ટ ડિક્લેર કરતા જશે અને રિટર્નિંગ ઓફિસર્સ વાઇઝ આ બધી જ વોર્ડ્સની મતગણતરી થવાની છે। તો એઝ સૂન એઝ પોસિબલ, કેમ કે 14 ટેબલ પર એક સાથે મતગણતરી થવાની છે, એ પ્રમાણે રાઉન્ડ્સ દરેક વોર્ડ્સના બૂથવાર કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવ્યા છે અને આ રાઉન્ડ પ્રમાણે ગણતરી થશે। આ જો સમગ્ર વ્યવસ્થા છે એ પોલીસ તરફથી કરવામાં આવી છે અને એમના માટે પેટ્રોલિંગની વ્યવસ્થા, લો એન્ડ ઓર્ડર, પોલીસ ડિપ્લોયમેન્ટની વ્યવસ્થા,
मैं आपने कीधु छे कि अहीं मतगणतरी सेंटर उपर त्रिस्तरीय पुलिस नी सुरक्षा व्यवस्था आ तमाम करवामां आवी छे। आ जेटली पण मंजूरीओ छे आ इलेक्शन कमिशन नी गाइडलाइन्स प्रमाणे पुलिस तरफथी आपवामां आवशे अने पुलिस ओवरओल कायदो अने व्यवस्थानुं चूंटणी तंत्र साथे मळीने संकलन करशे। उमेदवारना जे एजेंटो अंदर बेसे ए लोकोए केटला वाग्या सुधीमां अहींया गाडी आई जवुं पड़शे, केटला वाग्या पछी लोकोने एंट्री नहीं मळे, अने 9 वाग्या चालू थशे तो लोकोए केटला वाग्या आई जवुं पड़शे? मैं जेम कीधु छे कि वोर्ड वाइज मतगणतरी थवानी छे, एटले अमे अहींया मतगणतरी केन्द्र उपर वधारानुं अरेन्जमेंट्स करवा जई रह्या छे। जो वोर्डनी मतगणतरी चाले छे ए लोकोना चूंटणी एजेंट त्यां अंदर मतगणतरी केन्द्र उपर हाजर रहेशे। बीजा जो वोर्डनी गणतरी नथी चालती अने पछी आवशे एमना माटे अमे अहींया बेसवा माटेनी एडिशनल सगवड करीशुं अने त्यां ए लोको बेसी शकशे। ज्यारे वोर्ड वाइज मतगणतरी पछे त्यारे जो पण वोर्डनी मतगणतरी थवानी छे एमना चूंटणी एजेंट्स ने अंदर प्रवेशी शकाशे। तबक्कावार रीते एंट्री आपवामां आवशे। शुरू करवाना હોય તો એ વ્યક્તિ કેટલા વાગે અહીંયા ગડી આવી જવું પડશે કે 8 વાગે આવી જશે તો જ એને એન્ટ્રી મળશે કે 9 વાગે આવશે તો ભી એન્ટ્રી મળશે કે 9:30 આવશે તો ભી એન્ટ્રી મળશે? કેમ કે 9 વાગ્યા તો મતગણતરી શરૂ થવાની છે એટલે 9 વાગ્યા પહેલા એ લોકોને મતગણતરી કેન્દ્ર ઉપર આવી જવું પડશે। સ્ટ્રોંગ રૂમ્સ જો છે એ એડવાન્સમાં ખોલવામાં આવશે અને આ સ્ટ્રોંગ રૂમ્સની જો જાણ છે એ દરેક રિટર્નિંગ ઓફિસર વાઇઝ ઉમેદવાર ને કરવામાં આવી છે। આમાં દરેક ટેબલ ઉપર મતગણતરી એજન્ટ્સ, સુપરવાઇઝર્સ, માઇક્રો ઓબ્ઝર્વર્સ હોય છે। 84 જેટલા ટેબલ્સ છે એટલે દરેક 84 ટેબલ પ્રમાણે કાઉન્ટિંગ સ્ટાફની નિમણૂક કરવામાં આવી છે। એમના સિવાય જો લો એન્ડ ઓર્ડર માટે પોલીસ ડિપ્લોયમેન્ટ, BSF નું ડિપ્લોયમેન્ટ, પેરામિલિટરી ફોર્સ નું ડિપ્લોયમેન્ટ, SRP નું ડિપ્લોયમેન્ટ, લોકલ પોલીસનું ડિપ્લોયમેન્ટ અને વધારાના જો આખા મતગણતરી કેન્દ્રના સુપરવિઝન માટે અને બધી જ કામગીરી માટે વધારાનું સ્ટાફ એવા લોકોનું ડિપ્લોયમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે। ઓકે, થેન્ક યુ લોટ મેમ।